ओके गाइज, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि अपना एंट्री हो चुका है और मार्केट यहाँ पे शूट करना स्टार्ट कर चुका है। हम आपको बताएंगे रीज़न क्या है, क्यों एंट्री किया गया, वजह क्या है, सारे कुछ हम आपको वीडियो के लास्ट तक बताएंगे। बट टारगेट की अभी हम आपको बात बता दें कि फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा ये 500 रुपये तक जाएगा। ओके, तो फर्स्ट टारगेट 500 रुपये का रहेगा एंड जो सेकेंड टारगेट है ये आपको 550 रुपये, 560 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दो टारगेट अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले जो टारगेट है वो 500 रुपये का है एंड सेकेंड जो टारगेट है ये 560 रुपये का। तो अभी हम इसमें आपको पूरी पूरी डिटेल्स में दिखाएंगे और पूरी की पूरी आपको दिखाएंगे कि इतने लंबे लंबे भी प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो यहां पे हमने इस कैंडल के ऊपर अपना एंट्री बनाए थे। क्यों, इसके वजह का राज अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहां पे देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि एक ट्रेंड लाइन बार बार इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस बना करके गिर रहा था। जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास आता था मार्केट में सेलर हावी हो जाता था। समझना, साइकोलॉजी समझना। यहां से मार्केट आया, यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाया और यहाँ पे बार बार क्या होता था, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट में सेलर हावी हो रहा है, मार्केट में सेलर हावी हो रहा है, मार्केट में सेलर हावी हो रहा है। अब क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया। ओके, समझना, अब इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ से क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। अब जब ब्रेक किया है तो यहाँ पर जितने भी सेलर है वो सारे सेलर अपने शॉर्ट, जो भी लोग यहाँ पर शॉर्ट किए होंगे सारे लोग अभी कवर करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ से कवर करेगा ना तो मार्केट में यहाँ पे वन वे सूट देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है, बट बेस्ट सूट कहाँ मिलेगा, ये 500 के ऊपर। ओके, जब इसका प्राइस 500 के ऊपर जाएगा तो कन्फर्म ये 560 566 क्विक जाएगा। ठीक है, मेन वजह क्या होता है, मेन रीज़न क्या होता है कि अभी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो चुका है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ है, जब तक जो भी लोग अभी है, कुछ लोग होगा जो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके बैठे होंगे, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस है सेलर का, सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस इस पर है सेलर का। कुछ छोटे छोटे सेलर हैं जिन सबका स्टॉप लॉस अभी जा चुका है, जिसके वजह से मार्केट आपको देखने को मिला, ये शूट भी किया है। ठीक है, और मार्केट में देख लिया जाए ये 463 से सीधा ये 490 के आसपास जग गया है। तो ये जो है सो अभी छोटा सेलर सबका स्टॉप लॉस कटा है, तो ये सबका जो है सो यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब बड़े सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पर है तो सारे बड़े सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे कटेगा, तो क्विक यहाँ पे टारगेट देखने को मिल जाएगा। अब समझिएगा मेन वजह क्या होता है, मेन रीज़न क्या होता है। देखिए कैसे हम पता कर लिए कि ये सेलर का स्टॉप लॉस एरिया है, सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, ये हम आपको बताते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए मार्केट क्या किया, कंटिन्यू मार्केट एक रैली किया है, देखना कंटिन्यू मार्केट एक रैली किया है यहाँ तक का 566 के आसपास का एक रैली किया, और रैली करने के बाद मार्केट यहाँ से गिरा, और गिरने के बाद किस जगह पे, यहाँ पे देखिए किस जगह पे पाउच किया है, समझना, जिस जगह पे ये पाउच किया है ना, यहाँ पे ये पाउच किया है, तो यहाँ पे जितना भी जो भी सेलर थे यहाँ पे जो सेल किया है सबका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा है लोग, समझिएगा सबसे बेस्ट चीज़, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को लोग ट्रेल कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पर आया, ये बायर का एरिया है। ओके, तो बायर के एरिया से मार्केट यहाँ पे क्या किया, देखना समझना, मार्केट ये बायर का एरिया है और इस बायर के एरिया से मार्केट पुनः गया और इसी ट्रेंड लाइन के पास गया। जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास गया तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर से यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया। तो कुछ सेलर ऐसे हैं जो यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस करके बैठे हैं और कुछ सेलर ऐसे हैं जो ट्रेंड लाइन के सहारा लेकर के अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेल करते हुए लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों मूव आया, यहाँ पे ये जो मूव छोटा सा दिख रहा है ये क्यों आया, इसके पीछे का वजह यही है कि सारे कुछ जो भी सेलर हैं, जो छोटे सेलर हैं, वो लोग इस ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस बना करके यूज कर रहे हैं, तो उन्हीं सब का यहाँ से स्टॉप लॉस कट चुका है। और जैसे उसका स्टॉप लॉस कटा यहाँ पे एक सूट देखने को मिला है, लेकिन बड़े सेलर का स्टॉप लॉस इसके ऊपर प्लेस है, ये जो 500 के ऊपर निकलेगा तो बड़े सेलर का यहाँ पे स्टॉप लॉस कटेगा, और 500 के ऊपर देखना ये क्विक मूव आएगा, 500 से सीधे ये 566 होने में इसको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा फिक्स है कि मेरा जो स्टॉप लॉस है ये जो जोन आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आ जाता तो फिर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा मेरा यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस होने वाला है। तो लगभग देख लीजिए मेरा एंट्री ये है 460 के ऊपर है। ठीक है, तो लगभग ये हम यहाँ पे 440 का स्टॉप लॉस रखेंगे, लगभग 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस है, मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट की बात किया जाए तो पहले ही टारगेट यहाँ पे 40 पॉइंट का है, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 40 पॉइंट का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1:2 का रेशियो यहाँ पे मेंशन करना है, और सेकेंड जो टारगेट है वो 560 का है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, अपना टारगेट मिलता है या अपने को स्टॉप लॉस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमको तो एक चीज़ मिल रहा है,
छोटे छोटे सेलर का यहाँ पे स्टॉप लॉस कट चुका है। अब यहाँ से इस ट्रेल लाइन के ऊपर बायर, फाइनली गाइस देख सकते हो हम आधा घंटा हो गया और मार्केट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं ले पाया है। सोचो कितनी बड़ी बात है। आप देखोगे ये तकरीबन 443 रुपये के आसपास तक आया है, ठीक है, 443 के आसपास तक आया है, 442 के आसपास, लेकिन ये 440 नहीं हो पाया, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट नहीं ले पाया। तो यही बोलते हैं कि अच्छा, अगर आप यही, कोई हमने आपको पहले ही बताया था कि मेरा एंट्री करने का वजह, रीज़न, साइकोलॉजी सारे कुछ मेंशन था यहाँ पे कि 463 पे अपनी एंट्री है और 460 का लगभग 440 का अपना स्टॉप लॉस है। और ये सारा कुछ, ये तकरीबन आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम डिके किया लेकिन अपना स्टॉप लॉस नहीं गया। और फाइनली अब देखो यहाँ पे मार्केट जो है 490 पे जा चुका है, तो 490 पे भी ये ट्रेड कर रहा है और ये सटीक है। जब तक ये 500 के पास जाएगा नहीं तब तक टारगेट निकाला नहीं है, तो 500 पहला टारगेट देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा, उससे पहले नहीं, चाहे जो हो जाए ये 500 तक जाएगा ही जाएगा, ये मेरा रिसर्च है, मेरा एनालाइज है। और दूसरा ये जो है सो 560 के आसपास तक देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं कि लगभग 500 के करीब आ चुका है और 499 पॉइंट कुछ हुआ है, लगभग हमको लग रहा है कि 500 हो ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये 504 पे अपना लाइन है।